नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं जितेंद्र कमल। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में थे और जयपुर में वो खूब दहाड़े। भाजपा की सरकार को केंद्र में रखते उन्होंने खूब आलोचनाएं करी और मोदी सरकार का जो असली चेहरा है, जो कांग्रेस दिखाती आती, वो उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, लेकिन ये सरकार इनकी कोई भी मदद नहीं कर रही है। जयपुर में संबोधित करते हुए पिछली कुछ जनसभाओं में मोदी ने कहा हमने 370 हटा दी। उस पर चुटकी लेते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जयपुर में 370 हटाने की बात क्यों कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा तो उसकी बात कीजिएगा। उन्होंने जनता से कहा कि क्या पेट्रोल के दाम कम हुए, क्या फर्टिलाइजर के दाम कम हुए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आप भाजपा को वोट देंगे। इस पे जनता से हाथ उठवा के उन्होंने पूछवाया कि क्या आप भाजपा को वोट देंगे। जनता ने हाथ हिलाते हुए बोला कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्या कुछ कहा अपनी चुनावी जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनाते हैं हम आप। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान है, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए, क्या डीजल का दाम कम कर दिए, क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं।